भाई जान पहुँच चुके जनाब मुल्तान एच एन स्कूल एम डी ए ब्रांच जनाब बॉस की रिहाइश से जनाब अद्धी लोडिंग उ लाई गई खानेवाल जनाब तो अद्धी हूँ इतने लाने लगे अद्धे ना ज़्यादा समान असं खानेवाल लाए अस्सलाम वालेकुम भाई जान भैन भरावान का की हाल है जनाब अज जनाब जिन्होंने फुल तैयारियां शारियां ने जोरों शोर न जनाब उ बड़े चिकड़ चौधरी ने होटल से एच एन फूड से बॉस बड़े दिनों बाद आए हैं कहते हैं जनाब सैटिंग करनी जाके तो बॉस ने अच्छ सारे खिंचना एक दफा बहुत कंप्लेन आ रही स्टाफ दियाँ जड़ा शबीर खाना पीना यार अच्छ बड़े दिनों बाद आए एच एन फूड से मुल्तान यार पता लगे कैसे पक्की हुई अगो अपना पुराना होटल है यार चंगा ही माल लभना है इतने यार चांपा चुपा खा लांगे मैनु तो कोई पता चलिया बॉस वास्ते चांपा बनी हुई ने जनाब अच्छा हां जी खेड़िया दे वद्दर चाड़ की ना नहीं आपा बॉस दे मगर मगर ही रहने अज किते लोग छुप के ना खा लैन आज बॉस ते नजर रखनी है बॉस जेड़ी जात बावे ना हां जी बस कुछ एडी कौड़ चढ़ी खलोती हुई दुकान ना गुस्सा कर लेकिन सारे सोटे गुस्सा कर वेंदा सर जी बीड़ा शीड़ा ला लिया थोड़े वास्ते जी ते अपना बीड़ा शीड़ा रख के ना कमर मशानी दा बीड़ा है ए सुक्का बीड़ा सावा एलो सर जनाब घुमाटे चक्कर बुढ़े बंदे रख दे पूरा पैकेट रखा सर जल्द कौड़ चढ़ती है सर हूँ भावे मने ना मने कुकड़ सर जल्द छोड़ी खलोता हो पेड़ ही नाल बीड़ दी चूंडी रख दे रख दे चूंडी रख के सारा दा मारे मेरा दादा मैं क्या बोलूं आपको सारा हूँ अल्लाह ना ने हूँ एक गल ना आख दवाए बे बीड़ा ही मैं ना रख दा पहले आज कुकड़ ना लेना दा होना दे बीड़ा ही ना रख दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुल्तान में पहुंच गए हैं मुल्तान अब ये हाईटी का टाइम हो गया आज दिन का स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं और हाईटी स्टार्ट है अभी जाके बाकी मामलात देखता हूं कि क्या मामलात हैं क्या नहीं है ये स्पेशल इन्होंने कॉल की थी कि सर ने भी खाना नहीं खाया और रमजान साहब इन्होंने कहा कि मैंने भी खाना नहीं खाया मैंने कहा प्रॉन्स खिलाते हैं तो ये आपके लिए और रमजान के लिए प्रॉन्स प्रॉन्स सारों के लिए दो बंद दाल वाली गल की यार वो तो वैसे ही मैंने की है ना मजाक भी बंदा ना करे उसने जो उधर का शेफ है ना अल्लाह तक तो उससे बात करें
रमजान भागा आ रहा है। ਨਿਕਲੇ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਪਾਈ ਖੜੇ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ ਅਚਨ ਫੋੜਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕ ਹੋਟਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ 80 ਮਿੰਟਸ ਲੇਟਰ ਚੌਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਗਾ रमजान का है रमजान उधर बाहर होगा रमजान से कराओ इनकी मुलाकात करवाओ कल आप भाई रमजान हम आए थे आपकी हाई टी की है परसों बहुत अच्छा था मगर ये जो आपका बूफा है ना एक जगह पे ये यहाँ पे रश बहुत हो जाता है इसे डबल करें ताकि रश एक जगह ना हो खाना बहुत था ये नहीं कि भी खाने की कमी थी किसी चीज में ऐसी कोई बात नहीं हर चीज परफेक्ट मलाई मार के मक्खन पा के जनाब लस्सी पिला गर्मी च मरे फिरदे ने मुल्तान ने कट्टा खादा अग लगी फिर दी बहुत आर्डर दे के किन्ने चार गिलास का तीन मैं पीने ने एक तो पीना A few moments later. ਅੱਜ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਲੁਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਖ ਬਹੁਤ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਓਏ ਚਾਹ ਜਾਣੇ। ਓਏ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਥੱਲੇ। ਗੱਲ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਂ ਐਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਪੈਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਬੌਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੰਜ ਐ ਇੰਜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਇੰਜ। ਹਾਂ ਲੱਸੀ ਪੀ ਰਾਂ ਬਈ। ਯਾਰ ਮੱਖਣ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਲੱਸੀ ਬਣਾਏ ਇੰਜ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਬੌਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਵਾ ਕਿਤਨੇ ਬੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਉਹ। ਲੱਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰ ਜੀ। ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਐ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਖਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਾਈ ਬੇਟਾ ਲੱਸੀ ਪੀਓਗੇ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਸ ਛੋੜੇ ਪੀ ਲੈ ਬਸ ਨਹੀਂ ਬਸ ਛੋੜੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੋਹਫੇ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਅਚਨ ਫੋੜ ਦੇ ਜਨਾਬ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਸੀ ਬੋਰੀ ਮਾਈ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਜੀ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਸਾਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਕੱਟਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ मक्खन थोड़ा ज्यादा डाला हुआ है लस्सी नहीं मिली आपको खोल के पीनी है इंज मैं के मिठी ले के आया तू नमक पाई फिर मिठी पता की है ज्यादा फिर जो मिठिया गलां निकल दी बंदे को फिर लोग लुट के ले जाते हैं मिठी मक्खन इस तरह खाओ ना ये तू बीएम मारी जाना मक्खन बेच वाह जी वाह ओहो इसके बाद
वाह जी वाह, क्या बात है। चल साहब बड़ी यार लगी तो होटल की, यार कमाल कर दी, की पाया चोरी बेच यार दस दौ यार, कभी बंदा बना लेंदा बुढ़ी बना के बिया लेंदा। ठंड पै गई बब्बर शेर की छाती लस्सी पी के, क्या बात लस्सी एच एन फोर की, क्या बात। बड़ी बड़ी जगह से लस्सी पीती, लो लक्ष्मी जाके लस्सी पीती, मैं कहना उन्हें मार मार मधाणा, मार मार मधाणा, उन्हें फलूदा कट छड़िया लस्सी का, लस्सी जो पीती लस्सी पीने वाली कोई नहीं। गिलास किन्ने का 700 का, मैं कहना चबला मार देने लोरी है ना, वे लस्सी तो है ना यार। हाई टी के वाले से भी कुछ मामला थे, वो उनसे डिस्कशन की है, मेन इनके साथ ब्रेकफास्ट डिस्कस किया है कि ब्रेकफास्ट जो है उसको स्टार्ट करो टाइमली, क्योंकि यहाँ पे मुल्तान में ट्रेंड नहीं है नाश्ते का। जैसे लाहौरी है ना, लाहौरी सिर्फ करते ही नाश्ता, वो कहते हैं पहले नंबर पे नाश्ता होना चाहिए। सुबह 5 बजे आए हुए होते हैं, हमारा 4 बजे सुबह नाश्ता तैयार होता है, सुबह 5 बजे पहुंचे हुए होते हैं लोग। अभी हम अपनी सेटिंग आ रहे होते हैं, लोग पहले खड़े होते हैं नाश्ता करने के लिए लाहौर में। यहाँ नाश्ते का जीरो ट्रेंड है, यहाँ नाश्ता लोग को कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यार यहाँ पे नाश्ता भी बाहर जाके करना है। तो नाश्ते के हवाले से हमने इनिशिएटिव लेना है, नाश्ता हमारा बहुत अच्छा है, वो मैंने इनको समझाया कि नाश्ता आप स्टार्ट करो फौरी तौर पे। अभी बस मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उनसे मैंने जाके मिलना है और इसके बाद फिर इंशाल्लाह घर निकलेंगे वापसी। रोटी छोटी खाई है सर जी? छुट्टी भी दे दियो, बुढ़ी इंतजार करने ली सर जी, उन्होंने खबर मिली बेचे आया सर दा मुल्तान 4 बजे की कल आन लगी सर जी। बिल्कुल अच्छा हो रहा है, सही है ना, क्या छोटे पो सर जी मैंने आज। अच्छा ये अच्छा, इसका इसीलिए जो है इसकी तवज्जो ही नहीं है, इसको भूख ही नहीं लग रही आज कड़ी भूख लगड़ी जाती है। चलो यार बस इधर 5 मिनट इनसे मिलते हैं, मिल के फिर जाते हैं। यानी आज पहली बार जिंदगी में इस बंदे ने मेरे से रोटी का मुतालबा नहीं किया, उसने कहा घर जाने आज सवानी नाल बाप रोटी खासी अगला दे। हां जी आज भाई गवर्नमेंट दी कल आन लईयां पिछों, ओनू कितें खबर ला, ओनू खुशबू आ गई भी मेरा बब्बर शेर आ गया कितें मुल्तान है। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਾਜ਼ੀ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜੀ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਮੋਬਾਈਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਬਿਲ ਮਾਦ ਦਮਾਲ ਪਰ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ दरबारी कबाब वाले नहीं है उनके पास बैठा हूँ। सजी ले आओ यार जल्दी, सजी ले प्लेट कबाब अपना तक बहुत है, ये प्लेट निकाल के दो, प्लेट निकाल के दो। 20 minutes later ਦਰਬਾਰੀ ਤਰੀਕਾ ਲਾਲਾ ਰਾਜ ਕੇ ਖਜੀਆਂ ਮਜੀਆਂ ਟਿੱਕੇ ਛਿੱਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲਾਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਬੜਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਸੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇ ਦਾਂ ਬੜੀ 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 ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਥਾ लेकिन लेट हो गया, मैंने इधर उधर एक दो जगहों पे जाना था, मैंने कहा चले जाओ आप, ये कहता नहीं इकट्ठे चलेंगे। तो अब बस वापसी कर रहे हैं घर की, घर जाएंगे और सारा दिन मुल्तान में गुजारा है, यानी जो इवनिंग है सारी शाम से लेकर रात तक मुल्तान में रहे हैं, उधर ही गपशप में करता रहा हूँ। तो बाकी अब दिन को क्लोज़ करेंगे, कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर हो जाएंगे।